कहूँगा, कमलेश जी को पाचारण करता हूँ कि वो आए और कुछ शब्द कहे। नमस्कार। ये शायद पहला मौका है कि मैं उस किताब के विमोचन के लिए आया हूँ जिसमें मैं खुद हूँ। जब मुझे पहली बार देवमणि ने फ़ोन पर बताया कि वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं, ऐसी कुछ किताब लेखकों के गीतकारों के बारे में, अब हमारी जो इंडस्ट्री है और आप सब उसके हिस्से हैं, जाने अनजाने दो दो कौड़ी के एक्टर जिनमें जिन्हें ज़िंदगी भर कभी भी जुबान और जबान का फ़र्क नहीं मालूम पड़ेगा, और अभिनेत्रियां जिनकी एकमात्र योग्यता है कि वो कम कपड़े पहनती हैं, ऐसे लोगों के बारे में पूरा मीडिया इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट भरा रहता है। आज किसने क्या कपड़े पहने ना पहने, किसका कुत्ता गुम गया, किसका बच्चा अभी बच्चे ने चलना शुरू कर दिया है, ऐसी अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सूचनाएं जो हैं आप लोगों को परोसी जाती हैं, और आप लोग शौक से पढ़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, आप खुद भी जिम्मेदार हैं भैया, सिर्फ तालियां मत बजाइए, सोचिए कि आप ऐसे ऐसे दो कौड़ी के एक्टरों और एक्ट्रेसों को और लोगों को जो सो कॉल्ड हैं सेलिब्रिटीज़ को भूल, मतलब वो जो कुछ कूड़ा कचरा परोसते हैं आप उसको उसका भोग लगाते हैं, और जो शख्स जहाँ से सारा काम शुरू होता है, 1987 में जब मेरी तीसरी फिल्म थी तेजाब, जब मुझे फिल्म फेयर मिला तो मैंने पहला इंटरव्यू मेरा छपा किसी मैगजीन में, तो मैंने कहा कि जिस पे काफ़ी हंगामा हुआ था उस लाइन पे, मैंने कहा कि लेखक जो है वो फिल्म का पहला स्टार होता है, क्योंकि लेखक के पहले एक फिल्म सिर्फ कोरा कागज होती है जिसको भरना सिर्फ लेखक जानता है, जिसको भरना सिर्फ लेखक जानता है, न एक्टर जानता है, न डायरेक्टर जानता है, न प्रोड्यूसर जानता है, न कोई और जानता है। मगर हकीकत ये है, और मैं मजाक में कभी कहता था कि अगर फिल्म इंडस्ट्री का ग्रुप फोटो लिया जाए तो लेखक जो है आखिरी पंक्ति में दाएं से तीसरा खड़ा हुआ, और फर्स्ट रो में वो लड़की होगी जिसकी एकमात्र योग्यता है कि जो मैंने कहा कम कपड़े पहनती है। तो ये हमारी इंडस्ट्री है। तो ये जो काम किया है देवमणि ने, मुझे पता नहीं, आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं मानता हूँ कि महान काम है, क्योंकि हम लोगों के बारे में कभी कोई कुछ लिखता नहीं है, न मीडिया न कोई और, हमारा काम रिकॉर्ड में नहीं होता, हमारे काम का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, हम आपस में भले एक दूसरे की तारीफ कर लें कि भाई क्या सीन लिखा है, बस एंड ऑफ स्टोरी। और मैं कुछ आपको एग्जांपल दूं कि जिसे हम लेखक कहते हैं हमें फिल्मों के, वो लोग क्या चीज़ थे, क्या चीज़ हैं, उम्मीद है कि क्या होंगे। एक हमारे लेखक थे वजाहत मिर्ज़ा, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, अगर आपने कोई फिल्म देखी है मुगले आज़म, अगर नहीं देखी तो आपकी किस्मत ख़राब है, और भगवान करे आपकी आंखें भी ख़राब हो जाएं अगर आपने मुगले आज़म नहीं देखी तो, ये एक तरह से चेतावनी है। उसमें करीब 60% जो डायलॉग हैं वो वजाहत मियाँ के हैं। हुआ ये था कि जब आसिफ ने फिल्म शुरू की तो उनके लेखक थे चार, कमाल अमरोही, अमानुल्ला खान, एहसान रिजवी और वजाहत मिर्ज़ा, और चारों एक से एक धुरंधर लेखक। मैं एक सीन बताता, असल में आजकल मैं एक के आसिफ की बायोपिक लिख रहा हूँ, जो जिनके हाथों से निकली मुगले आज़म, जिन्होंने बनाई मुगले आज़म, उनकी बायोपिक लिख रहा हूँ, तो ये सारे किस्से उसमें मुझे, एक कमाल का ये एक किस्सा है कि 1957 में राइटरों की मीटिंग चल रही है, आसिफ की आदत थी कि हर सीन सबसे लिखवाता था, ऑल फोर राइटर्स, और फिर वो चुनता था किसकी बिगनिंग, किसकी एंडिंग, किसका मिडिल, किसका जुमला, और वो सीन खुद बनाता था हर एक से लिखवा के। तो सीन ये था कि अनारकली को दीवार में चुनवाने का हुक्म हो गया है, मगर उसने अकबर से बोला कि मुझे एक दिन के लिए मलिका बनना है, क्योंकि आपके बेटे ने मुझसे वादा किया था सलीम से, और मैं नहीं चाहती कि वो बदनाम हो।
और अकबर मान जाता है कि ठीक है, एक दिन की मलिका बनोगी, और कुछ बोलता है कि भाई तेरी असली असली जो थी डिज़ायर थी वो सामने आ गई, तू चीज़ क्या है। तो उसमें मुद्दा ये था कि अनारकली की एग्जिट लाइन क्या होगी, उसके बाद तो दीवार में चुनी जानी है, उसकी कोई लाइन नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है, और इस फिल्म में अनारकली की एग्जिट लाइन क्या होनी चाहिए। तो चारों राइटर बैठे, कमाल अमरोही ने अपना सीन पेश किया, अमानुल्लाह खान ने किया, एहसान रिजवी ने किया, वजाहत मियाँ थोड़े अफीम के शौकीन थे, पान बहुत खाते थे और बड़े आलसी राइटर थे। तो आसिफ ने कहा, वजाहत भाई आपका सीन। तो वजाहत मियाँ अपना पानदान खोला, छोटा सा पानदान, उसने एक छोटी सी कागज़ की पुड़िया निकाली जिस पे एक ही लाइन लिखी थी, और लाइन थी, शहनशाह की बेहिसाब बख्शिशों के बदले ये कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ़ करती है। पान की डिबिया से निकला हुआ ये जुमला आज तक हमारे जहन में दर्ज है, लोहे की सलाखों से, यहाँ तक कि खुद गुलजार को इस लाइन की नकल करनी पड़ी मीरा में। जब मीरा धर्म संसद में उपस्थित होती है, उसको जहर का प्याला दिया जाता है, तो मीरा ठीक यही लाइन बोलती है कि मीरा धर्म संसद को अपना खून माफ़ करती है। मैंने बोला गुलजार को, भाई साहब तुम गुलजार हो यार, तुम क्यों नकल कर रहे हो, कुछ और लिखो। नहीं, वजाहत की लाइनें जो हैं ऐसे ही। वो अमरोही साहब जो थे बहुत कमाल के राइटर थे। एक सीन जो शूट हुआ मगर मुगल आजम इस्तेमाल नहीं हुआ, आज मुझे लगता है कि होना चाहिए था, वो सीन ये है। देखिए जो अंदाज है बात कहने का, और इसलिए आज मुझे जो हमारे यंग दर्शक हैं, युवा दर्शक हैं, मुझे उनसे बड़ा अफसोस होता है कि न वो लिखने वाले रहे, न वो बोलने वाले रहे। आपके पास जो भाषा आती है आजकल, तो जो गालियाँ हैं OTT पे वही महान साहित्य बन गई हैं। गालियाँ देना एक लेखक की योग्यता बन गई है कि आप कितनी अच्छी गालियाँ दे सकते हैं। अमरोही का एक सीन था कि वो रात को अनारकली से जाता है सलीम मिलने, अनारकली घबराई हुई है कि अभी बादशाह को पता चल गया, शहनशाह को, तो क्या होगा, डरी हुई है। तो सलीम कहता है, तुम कब तक अकबर आजम से डरती रहोगी, तुम्हें पता है कौन तुम्हें मोहब्बत करता है, आओ आज मैं तुम्हें अपना तारुफ करता हूँ, तारुफ कराता हूँ, वो सिर्फ अकबर आजम हैं और मैं उसके माथे का वो निशान हूँ जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की चौकट पर रगड़ते रगड़ते पैदा हुआ है। ये सलीम इस तरह अपने आप को डिफाइन करता है, कहाँ हैं वो लोग, कहाँ हैं वो लेखक, कहाँ हैं वो बोलने वाले, कहाँ हैं वो फिल्म बनाने वाले, ऐसी हज़ारों कहानियाँ। एक हमारे लेखक थे अर्जुन देव रश्क, बहुत आपने भी उनका नाम नहीं सुना होगा, ले दे के आजकल क्या है, गुलजार जावेद अख्तर, गुलजार जावेद अख्तर। अरे भाई उनसे पहले भी बहुत लोग हो चुके हैं और इनसे बड़े राइटर हो चुके हैं। अर्जुन देव रश्क की एक फिल्म थी दिल एक मंदिर, उसमें एक सीन है, कहानी यह है कि मीना कुमारी जो है उसका जो एक्स लवर है और वो डॉक्टर है, उसका पति, उसको कैंसर हो गया है, अपने पति का एक ट्रीटमेंट करवाने वो आती है अपने प्रेमी के पास जो डॉक्टर है, और वो पति और प्रेमी के बीच कुछ सीन चल रहा है। प्रेमी कहता है कि हर जाने वाला दिन मुझे रात के हवाले कर जाता है, और हर जाने वाली रात मुझे दिन के हाथों सौंप जाती है, और दोनों एक दूसरे से जुदा हुए होते हुए कहते हैं कि ये कमबख्त आज मरा है मगर उसकी चिता बरसों बाद जलेगी। कहाँ हैं वो लोग। ये थोड़े से मैंने थोड़ा सा आपका जायका बदलने के लिए उदाहरण दिए कि हमारे लेखकों ने क्या काम किया है और वो काम कैसे किया है, और काम कर कर के गुमनामी में चले गए। अब आज कौन जानता है कि अर्जुन रश कौन था, क्या किया, वजाहत मिर्जा ने क्या किया, बहुत से कुछ लेखकों के नाम लिए हैं, केदार शर्मा हैं और लोग हैं, मगर ये बड़ी बहुत ज़रूरी है कि ये दस्तावेज जो है,
मैं मानता हूँ ये बहुत ही अहम दस्तावेज है, जो देवमणि ने जो काम किया है वो बहुत अहम है हमारी इंडस्ट्री के लिए, ताकि आगे वाली आने वाली लोगों को मालूम पड़े कि ये सिर्फ सलमान खान और आमिर खान और शाहरुख खान की इंडस्ट्री नहीं थी, ये कमलेश पांडे की भी इनर्जी थी, इंडस्ट्री थी, ये वजाहत मिर्जा की भी इंडस्ट्री थी, ये अर्जुन देव रश की भी इंडस्ट्री थी, सिर्फ गुलजार और जावेद अख्तर की नहीं। उनको पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री को किन लोगों ने कोरे कागज पे पैदा किया है। हमने पूरी इंडस्ट्री को कोरे कागज पे पैदा किया है। तो उसकी पहचान होनी चाहिए, वो दर्ज होना चाहिए किताबों में, लोगों की यादों में, आने वाले इतिहास के पन्नों में। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की किताब, मैं तो दरख्वास्त की देवमणि से कि यार इसका सेकंड पार्ट निकालो, अब बहुत लोग हैं और भी लोग हैं जिनको तुम लिख सकते हो। तो ये एक छोटी सी मेरी ओर से एक दरख्वास्त थी कि आप लोग किताब को ज़रूर पढ़ें, औरों को पढ़वाएं, ताकि मालूम तो पड़े कि हमारे लेखक को गीतकार क्या हैं, क्या करते रहे हैं। क्योंकि हमारी जो हम जिस महान परंपरा से आते हैं, हम व्यास और वाल्मीकि और तुलसीदास की परंपरा से आते हैं, हम इत्तफाक नहीं हैं। उन लोगों ने जो जो शब्दों के साथ किया अपने समय में, हम भी आज वही कर रहे हैं। हम शब्दों में वो ढालने की कोशिश कर रहे हैं जो मुश्किल होता है शब्दों में ढालना। हमारे लोगों ने बड़ी मेहनत से ये शब्द, इस ये पूरा देश जो है, इसने शब्दों के साथ जो मेहनत की है, दुनिया की किसी देश ने, किसी कल्चर ने, किसी जाति ने नहीं की। हमने शब्द को वहाँ पहुँचाया है जहाँ बाकी लोग घबराते थे कि अरे शब्द में ये बात कैसे हो सकती है, मगर हमने किया है। ऑर्डिनरी शब्द, मैं दो एग्जाम्पल दूंगा, बड़े रोजमर्रा के शब्द हैं। एक शब्द है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य हेल्थ का अनुवाद नहीं है, हेल्थ में कहीं वो बात नहीं है जो स्वास्थ्य में है। हेल्थ तो हीलिंग से निकला है, स्वास्थ्य का असली अर्थ जो हमारे ऋषियों ने किया है, जो स्व में स्थित हो, जो अपने को जानता हो, सिर्फ ये नहीं कि जो हेल्दी हो, जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है। और आज हम आराम से बोलते हैं कि हम मैं स्वस्थ हूँ, बड़े मज़े में हूँ, प्रसन्न हूँ। इतनी आसानी से ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए स्वस्थ, क्योंकि इस शब्द की गरिमा जो है, भारत, मुझे पता नहीं कितने आप लोगों को पता है, भारत एक शब्द में हमारे ऋषियों ने इस मुल्क की पूरी सोच, पूरी जीवन दृष्टि, पूरा विजन डाल दिया सिर्फ एक शब्द में, देश के नाम में। कुछ बेवकूफ़ आज भी इंडिया कहते हैं या कुछ और बेवकूफ़ हिंदुस्तान कहते हैं, वो गलत है, ये भारत ही है। और भारत का मतलब क्या है? भा यानी प्रकाश, रत यानी लगा हुआ, भारत यानी प्रकाश की खोज में लगा हुआ। किसी किसी और देश की जमीन, किसी और देश की जमीन संपदा और किसी चीज़ के खोज में नहीं, प्रकाश की खोज में, सत्य की खोज में। ये इस देश की आत्मा है, ये इस देश का DNA है। और उन लोगों ने देश के नाम में डाल दिया कि तुम कुछ भी कर लो भूलोगे नहीं, आज नहीं कल कभी तुमको याद आएगा कि मेरे देश का मतलब क्या है और मेरी खोज क्या है और मेरे देश की खोज क्या थी। ऐसे ही एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, चूँकि बात फिल्म लेखकों की हो रही है, हमारे जो आदि गुरु थे भरत मुनि, जिनका नाट्य शास्त्र में अगर आप जानते होंगे, आपको पता नहीं उसके पीछे कहानी क्या है। जब चारों वेद लिखे गए तो ब्रह्मा को बड़ी चिंता हो गई कि यार ये वेद तो सिर्फ स्कॉलर के लिए है, पंडितों के लिए है, बुद्धिजीवियों के लिए है, जो समझेंगे, एनालाइज करेंगे। आम आदमी का क्या, ये शब्द है, आम आदमी का क्या, आम आदमी अपने जीवन को जीने की कला कैसे सीखेगा? तो कहानी ये है कि ब्रह्मा जी ने घोषणा की पूरे देश में कि भाई कुछ करो आम आदमी के लिए, कुछ करो, क्योंकि वेद जो हैं वो आम आदमी के लिए बड़े दुरू हैं। तो हमारे भरत मुनि ने लिखा नाट्य शास्त्र, जो दुनिया की पहली ट्रीटीज है स्टोरी टेलिंग पे, द आर्ट ऑफ थिएटर एंड स्टोरी टेलिंग, जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। कभी मौका मिले तो पढ़िए, क्योंकि हमारी फिल्में बेसिकली वहीं से आती हैं। हमारा ग्रामर जो है, हमारी फिल्मों का जो व्याकरण है कि गाने क्यों होते हैं, लोग पूछते हैं ना हॉलीवुड में कि तुम्हारे हर फिल्म में गाने होते हैं, हर फिल्म में थोड़ी कॉमेडी भी हो जाती है, क्या है?
उनको समझाने के लिए बोलता कि हम भरत मुनि के संतान हैं। तो ब्रह्मा इतने खुश हुए किताब पढ़ के, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, उन्होंने आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद अद्भुत है। आशीर्वाद है कि भरतैन मितस्ते ताम प्रख्या तो भरता वया यदम भारतीय वर्ष मन्ना सुप्रकाष्ठ, कि हे भरत तूने इतना बढ़िया काम किया है कि आज से तेरे नाम पे इस देश का नाम भारतवर्ष बनेगा, कहा जाएगा, और जो लोग भी नाटक करेंगे उनको भरत के नाम से बुलाया जाएगा। तो हम उस भरत मुनि के संतानें हैं, स्टोरी टेलर्स, जो फिल्म लेखक हैं या नाटक लेखक हैं, कहानी लेखक, उपन्यास लेखक हैं, हम उसी परंपरा से आते हैं। तो हम एक बहुत बड़ी परंपरा के हिस्से हैं, और भले ही लोग, जो मीडिया इग्नोर करता रहे, हमें कुछ भाव ना दे, मगर मैं मानता हूँ कि अगर ये कुछ किताबें रह गई, देवमणि की मेहनत काम कर गई, तो उम्मीद है कि लोग हमें भी याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। कुछ कहने की मनस्थिति तो नहीं है दिग्गजों को सुनने के बाद, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अब हम किताब का विमोचन जो है कमलेश जी के हाथों करेंगे, ये व्यावहारिक है। सिद्धार्थ जी से मैं निवेदन करूँगा कि वो भी स्टेज पर आ जाए, सिद्धार्थ शांडिले साहब विमोचन के लिए।